हेलो सभी बच्चा, लो बेटा, लो बिटिया, लो, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के लिए, और आज टर्न है 11B। होप सो आप सभी लोगों ने स्पीड टेस्ट दिया हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन का और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन बेटा, सब लोग कॉपी कलम लेके रेडी रहना। देखिए, फादर इज थ्री टाइम्स मोर वर्ड यूज किया है, थ्री टाइम्स मोर देन द सन प्रशांत। तो फादर और सन, तो यानी कि अगर सन का एक है तो थ्री टाइम्स मोर करना है। सन का एक है तो तीन जोड़कर ये क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, 8 साल के बाद ही यानी फादर वुड बी 2½ ऑफ प्रशांत। तो फादर और सन का, प्रशांत के लिए सन लिख रहे, 2½ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 5/2, तो 5:2 हो जाएगा। तो बेटा गैप इक्वल वाला सिस्टम देख लो पहले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कब का है, 8 साल बाद में, तो यहाँ +8 दिखा देते हैं, यहाँ पे +8 दिखा दो, थोड़ा नोटेशनली रहेगा तो ठीक रहेगा। 8 साल के बाद और सन का 8 साल के बाद, ठीक है ना। तो बेटा कितना बढ़ रहा है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 8 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 8 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सेम बढ़ना चाहिए जो कि ऑलरेडी सेम है, नहीं तो नीचे का डिफरेंस ऊपर और ऊपर का डिफरेंस नीचे करके इसको सेम बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हमें कह रहा है कि फर्दर, आफ्टर फर्दर हाउ मेनी ईयर्स ही वुड बी 2 टाइम्स ऑफ प्रशांत एज। तो 2 टाइम्स कराना है प्रशांत एज का, आफ्टर फर्दर हाउ मेनी ईयर्स, तो 2 टाइम्स ऑफ द प्रशांत एज, ये तभी हो रहा है बेटा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो कितने साल के बाद, ठीक है ना, कितने साल के बाद फादर और सन, यहाँ 2:1 कराना है, ये 3 बना लो और ये 6 बना लो, तो देखो हो तो गया 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स होने में रेशियो में कितना आगे बढ़ना पड़ा, 1, और 1 रेशियो इक्विवेलेंटी रेशियो में कितना है, 8, कितना साल लगेगा, 8 साल, 1 रेशियो केवल 8 साल के बराबर, ठीक है ना। तो 1 रेशियो और आगे बढ़ाना पड़ेगा तभी 2 गुना बनेगा, 1 रेशियो और बढ़ाना पड़ेगा तभी 2 गुना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। चले अगला, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो जैसा आपको क्लास में भी आपने पढ़ा है, सबको जानकारी है, तो स्पीड टेस्ट डिस्कशन है, तो उसी पे हम लोग अपने आप को कॉन्फाइंड रखेंगे। तो इसको हम लोग किसी को 1, 2 और 3 मान लेते हैं। तो क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, आपका कोऑर्डिनेट में हाफ ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ, आपने एक्स वन लिया और फिर क्या करना है, वन लिया तो 2 -3 y2 वाला, y2 - y3 12, -2 + 2 हो जाएगा प्लस, अब क्या करना है, इसका एक्स लेना है 10, ठीक है ना, 2 लिया तो 3 और 1 y, -2 - 2 और -4, तो -2 - 4 -2 और -4, फिर क्या किया, ये एक्स लिया तो 3 लिया तो 1 और 2 5 - 12 और मॉड वैल्यू, ठीक है ना, ओके। तो बस अब इसको कैलकुलेट करिए, हाफ ऑफ 12 2 14 14 4 56 और -80, 4 2 6 60, 4 और 2 कितना, 6, 4 2 6 60, और वहाँ से वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 3 21 हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से आ रहा है हाफ ऑफ मॉड वैल्यू लेना है, तो 56 - 60 कितना हो गया, -4 ना बेटा, तो ये हो गया -4 और वहाँ कर दिया तो 17 हो गया, और 17 का आधा कितना होता है, 8.7 7 3 21 माइनस माइनस प्लस हो रहा है, चार लिखा 12 - -2 + 2 10 लिखा -2 - 4 - 6 फिर -3 लिखा तो 5 - 12 सही तो है सब, एवरीथिंग इज ओके, गड़बड़ी कहाँ हो रही है, चल ठीक है।
माइनस टू माइनस फोर ही तो हो रहा है, माइनस टू माइनस फाइव हो रहा है, तो 4, 5, 10, 12, माइनस थ्री माइनस टू, सब सही लिखा हुआ है। अरे यार यहाँ 5 होना चाहिए, हम 4 लिख दिए हैं, गलत तरीके। अरे तो ये 5y है ना, तो यहाँ पे 70 आएगा। ठीक है बच्चों, तो बस अब सिंप्लीफाई कर लो, हाफ ऑफ मॉड वैल्यू पे ही चलना है, तो यहाँ 56, 60 गुणे क्या हो जाएगा बेटा, 6 माइनस 0 छः, 6 1 7, माइनस 2 और ये 0, तो 7 का आधा कितना हो गया, 3.5, तो 3.5। ठीक है ना, एक जगह थोड़ा सा गड़बड़ा है कि सब मामला गड़बड़ा जाता है। चलो देखो अगला वाला देखो, टू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू टू ये जीरो होगा, तो बस एक्स की जगह रख दो 2a, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 1 माइनस 5 ऑफ ए, ये जीरो होगा, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 a प्लस 2a प्लस 2 माइनस 5a इज इक्वल टू जीरो, तो 8 2 10, 5a बराबर -2, यानी कि a बराबर हो गया माइनस। अब देखो भैया आप कहाँ गलती हो रही है, इसमें भी कुछ गलत कर दिया मैंने। 2 0 द पॉलीनोमियल 2a x स्क्वायर, 2a 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, अच्छा x यहाँ पे है, यहाँ पे x है भैया, वहाँ पर x है, वहाँ x नहीं देखा मैंने, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और -5 है। ठीक है ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 a और प्लस 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4a प्लस 4 और -5 a, ये बराबर में क्या होगा बेटा, 0 होगा, यानी कि ये बन जा रहा है 8 और 4 12, 12 माइनस 7 7 a और वहाँ -4 उधर जा रहा है, तो -4/7, 0 ऑफ द पॉलीनोमियल मतलब उसको इक्वल टू 0 बता रहा है। ठीक है चलें अगला, नेक्स्ट वाला चलें। इतने में बेचा तो गेन हो रहा है, प्रॉफिट जो है 1/5 ऑफ द CP है, यानी कि SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 6। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, MP इज इतना एंड द आर्टिकल इज सोल्ड एट नो डिस्काउंट। ठीक है, तो मतलब यही क्या है, नया SP बन जाए, बिना डिस्काउंट के कितने में बेचेगा, 18.58 में। ठीक है ना, और गेन सॉरी कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकालो फिर, यहाँ से तो कितने में बेचा है, 1680 में बेचा है, 6 की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस 5 निकाल लो, 6 दूनी 12, 6 8 48, 0 8 5 40, 5 दूनी 10, 10 2 14, तो आपको यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, माइनस करो 5 हो गया पॉइंट, 8 माइनस 0 8 हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 458.50 का, तो ये प्रॉफिट हो गया 458.50 का। और CP कितना बन रहा है, CP बन रहा है ये 1400, CP निकाला है ना, CP ये 1400 बन रहा है, और इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, और ये कैंसिल कर दो, 14 दिन 14 14 14 42, हाँ ठीक है, 14 3 42, 42 के बाद 3, 14 2 28, 10, चौदह सौ 16, 6 दिन 12, 6 6 48, 280 और 45, 5 दिन 10 6 14, सही है, 18.58 में ही बेच रहे हैं, तो नया CP हो गया वो। ठीक है ना, ये जो 18.58 है ये नया CP हो गया, बिना डिस्काउंट के इतने ही बेच दिया, डिस्काउंट दिया ही नहीं, 1400 हटाया है, 458.5 है,
बस सीपी अपना 1400 से डिवाइड करना है। सेलिंग 1680, 1680 सेलिंग है। गेंस 1/5 ऑफ व्हाट इट कॉस्ट हिम, उसको जितने का पड़ा था, मतलब सीपी का है 1/5 है, तो यानी कि जब प्रॉफिट कमाया एक का तो 6 में बेचा, 6 की वैल्यू 1680, 6 दूनी 12, 6 अठे 48, सब सही तो है, ऑप्शन मैच करना चाहिए। तरीके आज पता नहीं क्या हो गया है, 15th लिखा है ये यार, ओहो पता नहीं क्या हो रहा है आज। प्रॉफिट इज 115, लॉजिक में कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 16, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 1680 जो है 16 की वैल्यू ही, सीपी 15 निकालो। अब ठीक है, 16 कम 16, 16 25 80, 1575 आपका सीपी आ रहा है, यानी कि अब बेच कितने में दिया है, बेच दिया है 1858.5 में, यानी कि प्रॉफिट कितने का कमाया है, डिफरेंस ले लीजिए और नीचे 1575 रखिए और × 100 करिए, तो इनका डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो 5 रहेगा ही, 0.10 - 5 5, और 14 14 - 7 7, और यहाँ से 17 और 2 275 रुपये 50 पैसे। एक बार देख लो कोई गड़बड़ी है तो, और ये अपना सिंप्लीफाई करोगे तो अप्रॉक्स मिल जाएगा आपको 18%, ठीक है नहीं। 5 आया तो 0 10 - 5 5, और यहाँ 4 14 - 7 7, और यहाँ 16 16 - 15 1, 16 - 15 ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अगला, वो सही था ठीक है ना, वो 2 जो लिखा था वो सही लिखा था, जो 2 लिखा था वो सही था। अभी अभी देखा, 15 15 3 है ना, तो एक कैरी जाएगा तो 2 बचेगा ही बचेगा, ठीक है अगला चलते हैं। आशीष ड्राइव्स हिज कार टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50, इट इज सो, देखो आने जाने का जो डिस्टेंस है बराबर है ठीक है ना, जाने की स्पीड और वापसी की स्पीड एक्स कर लेते हैं। सम स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिटर्निंग जर्नी, इफ इज एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी, तो 150 की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या कर ले, हम लोग ये कर लेते हैं, ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यही एवरेज स्पीड 37.5 है बस, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये 100 हो रहा है, 100x बराबर, अब ये 5 बार, 5 25 25, 5 7 35 36 37, 5 3 15 3 1875, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 37.5, और ये एक्स, 2ab / a + b एक तरफ करे, इधर ले आओ 62.5, 1875, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1875/62.5। ये मल्टीप्लाई क्यों कर दिया हमने, क्योंकि वही रहने देते, क्योंकि काटना तो है ही, थोड़ा उससे ना हमारा परसेप्शन इजी हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ मैं इसको काटता नहीं हूँ ठीक है ना, आपको शो करने के लिए यहाँ दिखा देता हूँ ठीक है ना, क्योंकि इससे अभी कटना आसान हो जाएगा। इसको क्या है, 37.5 × 50 रखते हैं, 37.5 × 50 रखते हैं, 37.5 × 50, 37.5 × 50, 3/8 और 1/8, 8 8 कट जाएगा, 3 और 5, 3 ये है 5 ये है 10 ये कटेगा और 30 आ जाएगा ठीक है।
इसको हमने परसेंटेज से रिलेट करा लिया कि 3/3/8 ये है, परसेंट से ऊपर नीचे कर मल्टीप्लाई करें, ठीक है 3/8 ही है, 3 5/8 ही है, 3 3 कट जाएगा, 8 8 कट जाएगा, 3 ऊपर और 5 नीचे, 5 से 10 बार और 3 30, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। चलें आगे, चलिए अगला वाला देखते हैं। पर्सन बोरो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर 2 ईयर 4% पर एनम से, इमीडिएटली लेंस टू अनदर पर्सन इस रेट से 2 साल के लिए। तो कितने का डिफरेंस गया, हर साल कितना गेन होगा, 2 होल 1/4% का डिफरेंस निकाल लिया। और 1 साल का अगर ये गेन है तो 2 साल का गेन कितना हो जाएगा, 4 होल 1/2% का, ठीक है ना। हर साल 2 साल में इतना गेन होगा, 4 × 8 = 9/2% का, ठीक है ना। तो अमाउंट अगर गेन कितना है, प्रॉफिट कितना है, 1125, तो ये 9/2 की वैल्यू हो गई। और प्रिंसिपल कितना, 100 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, ठीक है ना। तो 250 20 ले। अब कहाँ गड़बड़ी हुई, 2 साल तो हमने हमारे प्रॉफिट पर ईयर दिया है, ओके तो 2 की ज़रूरत नहीं है बेटा, तो पर ईयर प्रॉफिट दिया है तो × 2 ना करो, तो पर ईयर इतना प्रॉफिट हो रहा है इसको, पर ईयर इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसको पूरा लिख दे, हटा देते हैं। पर ईयर का प्रॉफिट दिया तो हमें × 2 नहीं करना है, हम कहेंगे ये जो गेन है 1125, ये 1 साल 2 सही 1/4 की वैल्यू है, जिसको हम लिखेंगे 4 × 8 = 9/4, ये 9/4 की वैल्यू है। और प्रिंसिपल निकाल लो × 100, ये 9 से काटा 9 = 9 × 2 = 9, 5 = 45, ठीक है ना। तो 425 × 500 20। अगर ये पूरे 2 साल का गेन होता तो × 2 करते, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 साल का ही गेन किया, रेट आपका परसेंट पर एनम होता है, ठीक है ओके। चलें अगला वाला चलते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है, बराबर 0 सेटिस्फाई करा लो। अगर इसको 0 करना है तो ए बराबर अगर हम 1 रखें, बी बराबर -1 रखें, सी बराबर 0 रख दें, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये 0 1 का स्क्वायर और -1 × 0 0, ऊपर 2 आ रहा है, 2 आंसर नीचे 1 है, सेटिस्फाई करा लो, ज़्यादा अच्छा है, सॉल्व करने से बेहतर यही है, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलें आगे, थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल टेन थीटा बेटा ये बताओ, जब टेन टू थी टेन एक्स प्लस इंटू टेन वाई अगर 1 होता है तो एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई 90 डिग्री होना चाहिए ना, यानी 5 थीटा = 90, 5 थीटा ही रखना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 cos² 90/2 - 1, यानी 2 cos² 45° - 1, 2 × √2² 1/2 हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, कितना आ गया 0, ओके ये 0 हो गया। चले आगे बात किया जाए नेक्स्ट वाला। अब देखिए यहाँ पे इसमें कितना बाहर आ सकता है, 5 × 8 = 40, 4 बाहर आ सकता है, 2, और इसमें कितना बाहर आ सकता है, 320 है ना, 16, 4 बाहर आएगा, 16 × 32, 16 × 20 और 1 2 बाहर आएगा, 8, 8 × 32, 1 मिनट, 8, 320 को क्या लिख लो, 320 को लिख लो 16 × 32 और फिर 16 × 4 × 5, तो इसका √4, इसका √2, अंदर 5 रहेगा नहीं। अब आ जाओ 625, क्यूब रूट है
सब क्यूब, अच्छा सब क्यूब रूट है क्या? ओह हो भैया, सब क्यूब रूट है, हम स्क्वायर रूट के चक्कर में पड़े थे। अब देखो, टू और क्यूब रूट, तो 40 को हम लोग क्या लिख लें, 8 पंजे 40, यानी कि 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा और इंटू 5, ठीक है ना, और माइनस 4। अब देखो 320 को, फिर से 8 चौके 32, फिर 8 पंजे 40, यानी इसका क्यूब रूट 2, 2, 2 दूनी 4, 4 और रूट 5, मतलब सब में √5 आना तो जरूरी ही है। और 3 गुड़े क्यूब रूट निकालना है ना, तो 625 है, 5 का पावर 4 है, 5 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर फंसेगा, और ये ऐसे ही रहने दे, क्यूब रूट ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5, 4 चौके 16 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5, और ये 5 15 क्यूब रूट ऑफ 5, और ये 3 क्यूब रूट ऑफ 5। तो देखो 4 माइनस 12 प्लस 3 और ये 0, तो आंसर कितना आ गया, 0 क्यूब रूट मिल रहा है, ठीक है, कितना आंसर आ गया, क्यूब रूट 0। चला जाए आगे नेक्स्ट वाला। भैया ये तो एंगल सीधे आपका 90 प्लस वर्टेक्स एंगल का हाफ होता है, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो 115 डिग्री आंसर हो जाएगा। बाई सेक्टर्स है ना ये दोनों, ठीक है, ओके चलो आगे। सेल्स आर्टिकल टू बी, ए ने बी को बेचा तो 1/5 का प्रॉफिट हुआ, बी ने सी को बेचा तो 20% ए भी 1/5 का है, और सी ने सी इफ सी सेल्स फॉर 600 एंड इनकर्स अ लॉस, 1/6 के लॉस पे मान लो किसी और को बेचा, और कितने में बेचा, 600 में, ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस फॉर ए, मतलब सीधे हमें फाइनल दे दिया है, तो 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 1 5, सीधे फाइनल दिया, और इनिशियल हमें निकाल लेना है, और इनिशियल क्या है, 5 5 6, 5 5 और 6, तो बेटा 1 5 तो यहाँ से चला जाएगा, और 1 6 भी यहाँ से चला जाएगा, और 6 से ये 100 बार हो जाएगा, और ये 500 आ जाएगा, सीधे फाइनल देकर इनिशियल पूछ लिया गया है, ठीक है ना, सीधे जो है फाइनल देकर इनिशियल पूछ लिया गया है। चलें अगला नेक्स्ट वाला। पॉपुलेशन इतना है, रेशियो बिटवीन वुमेन एंड मेन दिया है, इफ देयर इज 24, इतना देयर आर 24% लेटेड मेन एंड 8% लेटेड वुमेन, द टोटल लेटेड पॉपुलेशन, एलिगेशन लगा लो, या तो सीधे निकाल भी सकते हैं, लेकिन वही है कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, सीधे हम परसेंटेज निकाल लेंगे, ये भी कर सकते हैं, तो 24% लिटरेट, 8% लिटरेट और ओवरऑल लिटरेट, तो ये हो जाएगा 8 माइनस x, ऑर्डर मेंटेन रखना, और x-24, और यही रेशियो कितना दिया है, 4 43/40, तो 8 माइनस x, 8 माइनस x, x-24 ये बराबर 43/40 है, तो यहाँ से हो जाएगा 4/32 -40x बराबर 43x और माइनस, तो 43 और 24 को मल्टीप्लाई करो, 3 4 3 43 4 4 3 12 1 16 और 6 22 23, 4 3 8 10, 1032, ठीक है। आगे चलो, एक्स को एक तरफ करो तो ये हो जाएगा 83x, और इसको इधर ले आओ तो 320 यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 2 5 13 52, कितना हो जाएगा, 13 52, क्या ये 83 से पूरा कटेगा, देख लो, अगर ये 83 से पूरा कट रहा है तो बस जो परसेंटेज आएगा उतना ही परसेंटेज हमें
311250 का निकाल लेना है, नहीं कटेगा ना तो मत रखना, ठीक है ना। देखो तो कितना आ रहा है जल्दी से, क्योंकि ये 83 बन रहा है प्राइम, किसी के टेबल में आता नहीं है। तो 1352/83 कितना परसेंट रखो, ठीक है ना। अब आ जाओ, इतना ही परसेंट निकाल दो इसका, ठीक है ना। इसी का कैलकुलेशन वैसे देखो, वैसे भी है, दोनों में कैलकुलेशन है। 311250 का इतना परसेंट, तो 1352/83, और परसेंट का मतलब 1/100। कुल मिला जुला के देखो बेटा, वही हो गया। 83 से काटो, 1352 मल्टीप्लाई करो, और दो जीरो भी हटाना है, ठीक है ना। दो जीरो भी हटाना है 311250 को। वैसे देखो उधर 100 है, उधर 250 है लास्ट में, तो आसान सा कट रहा है, ठीक है। तो इसको काट दो, तो 10 बचेगा ना, पूरा नहीं कटेगा। तो एक एक जीरो हटा लो, 830, एक जीरो काट लिया तो 10 बच गया, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा आपका 375 × 1352 × 10, ज़्यादा नहीं हो जा रहा है, डिवाइड बाय 10। यहाँ क्या था भैया, 8 − x था, ठीक है ना। ये 1/10 है बेटा, दोनों से कैलकुलेशन सेम जा रहा है और कुछ नहीं। 375 × 1352 नहीं होगा तो भैया ये तो वैसे भी देख रहा है बड़ा जा रहा है। ये तो वैसे भी बड़ा जा रहा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है। तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ये बांटना ही पड़ेगा, ये बांटना ही पड़ेगा। चलो ये लंबा जा रहा है भैया, कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, 311250 को आप इन दोनों का सम कितना हुआ, 83 से डिवाइड करिए, ये मेल आएगा, × 40 × 43 करने पे। अच्छा ये वुमेन का है, ये मेन का है, लियो ये वुमेन का हो गया। अब मेन का कितना है, 311250/83, इसीलिए वहाँ थोड़ा लंबा नंबर आ रहा था, इसी वजह से कट भी नहीं रहा था। अगर किए होते तो जल्दी भी हो गया होता, वो गलत हो गया, पहले वुमेन का फिर मेन का है। मेन का 40 है, अब क्या है इनका परसेंटेज निकाल दीजिए। तो 20% एमंग मेन, 24%, और 8% एमंग फीमेल है, ठीक है ना। यही वाला कर लो, ज़्यादा सही है, और इन दोनों को जोड़ दो बस, ठीक है ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो करना होगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो करना होगा, उसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। 489000, अब पिछले वाले में भी हो जाता, वहीं लंबा कैलकुलेशन इसलिए चला गया क्योंकि मेन और वुमेन थोड़ा इंटरचेंज हो गया है, अलर्ट रहना है, क्योंकि इस समय हम अभी नहीं थे, इस बात को हम स्वीकार करेंगे। देखिए, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 4, नंबर ऑफ सेंटीमीटर दैट मे बी एडेड टू आइदर रेडियस और द हाइट टू गेट द सेम इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो इंक्रीज सेम होना चाहिए, तो दोनों का इंक्रीमेंट बराबर कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल नंबर ऑफ सेंटीमीटर दैट मे बी आइडर रेडियस, जब रेडियस में करें, और फाइनल माइनस इनिशियल जब किस में करें, हाइट में। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बेटा इनिशियल इनिशियल तो माइनस इनिशियल ही करेंगे, वो तो इनिशियल कौन चलेगा ही चलेगा। एक बार फिर से, जब रेडियस में निकाले तो कुछ फाइनल जो आ जाए, जब रेडियस में चेंज हो तो फाइनल जो है माइनस इनिशियल, फाइनल जो है माइनस इनिशियल, तो ये इनिशियल इनिशियल कट जाएगा। तो रेडियस वाला चेंज वाला और हाइट वाला चेंज वाला बराबर होना चाहिए। तो सिलेंडर है तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई रेडियस कितना है, 10, मान लो एक्स बढ़ा रहे हैं, और हाइट कितना है बेटा, 4 पाई, अब 10 वही रखे, अब हाइट में बढ़ा दो, 4 + x, इसी x की वैल्यू निकालनी है। दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा,
दो अंदर ले आए तो 20 प्लस 2x, पाँच अंदर ले जाएगा तो पाँच चौके 20 प्लस 5x, यानी कि ये का हो गया। स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। आज पता नहीं क्या हो गया है, या तो थकान है या तो कुछ और है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, तो उसके लिए भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। थकान ही है और क्या, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल हो गया दोनों तरफ। इसको सिंप्लीफाई करें तो 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। 25 अंदर ले जाओ, 25 चौका 100 प्लस 25x, एक तरफ करेंगे, 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये 20x उधर ले जाओ 5x, एक एक्स कट जाएगा क्योंकि 0 होगा नहीं, तो आंसर 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। ओके अगला वाला, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है ना। इसको ए कर लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो क्या दिया है, ए बी और बी सी, बी सी और सी है। सी है और ए बी जोड़ेंगे तो टोटल 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी का सम हो रहा है ना, 12, 14 और 18, यानी कि पेरीमीटर जो ए बी सी आएगा वो कितना आएगा, 6, 7, 9, 9, 7, 16, 6, 22, पेरीमीटर 22 आ गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सेम पेरीमीटर एज ट्रायंगल, यानी कि 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू 22, तो आर शुड बी इक्वल टू 7/2, दैट इज 3.5, यानी ऑप्शन में दिया है 7/2, तो हम 7/2 रख लेते हैं, ठीक है ना। ये 7/2 हो गया, क्लियर है। चलिए अगला, नेक्स्ट वाला, तो ये नेक्स्ट वाला, तो इसमें क्या लिखा हुआ, इफ अ सॉलिड कोन ऑफ वॉल्यूम 27 पाई को इनसाइड, अच्छा सिलेंडर, उतना ही हाइट उतना ही बेस रेडियस का है, तो बेटा हमें मालूम है कि सिलेंडर और कोन, ठीक है ना। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 1 है तो इसका वॉल्यूम 1/3 है, यानी इनके वॉल्यूम का रेशियो 3:1 बनेगा, यानी कि खाली पोर्शन कितना है, 2, बोलो। अरे भाई पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वही तो हुआ, ठीक है ना। तो हमें क्या कहा गया, सॉलिड कोन का जो वॉल्यूम है 27 पाई है, ये कोन का वॉल्यूम है जो कि रेशियो में 1 है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर नीडेड टू फिल द एम्प्टी स्पेस, तो एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए इन दोनों का डिफरेंस 2 की वैल्यू निकालनी होगी, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इनके डिफरेंस के बराबर ही तो भरना पड़ेगा, ठीक है ना। बेस रेडियस और हाइट दोनों क्या है, सेम है। चलिए अगला, नेक्स्ट वाला, ये अगला, ए बी सी गोइंग टू अ बिजनेस पार्टनर विद एग्रीमेंट दैट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल,
अब दिया हुआ ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, बी का कैपिटल सी का कैपिटल, तो ये दिया हुआ है 2 3 और ये दिया हुआ है 2 5, दोनों में बी सेम होना चाहिए। 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 6, 3 नीचे मल्टीप्लाई करो 6 और 15, तो 3250 क्या, बी शेयर फाइंड बी शेयर इन अ टोटल प्रॉफिट, तो ए बी सी और टोटल करो 6 4 10 5, 6 4 10 और +15 25 हो गया। ये 25 की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड बाई आपका बी का शेयर निकालना है 6 की वैल्यू, ठीक है ना। तो 25 एकम 25, 25 75, 13 78 780 रुपया, ये वाला हो गया बेटा, देख लो। चलें अगला। इसकी वैल्यू निकालनी है तो बेटा हम लोग जानते हैं कि सिंस कॉट एक्स इंटू कॉट वाई कितना होता है 1, अगर एक्स प्लस वाई कितना हो 90 डिग्री, यही ना। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 1 हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/√3, तो आंसर हमारा कितना आ गया सब प्रोडक्ट करके 1/√3, ठीक है ना, क्योंकि कॉट एक्स इंटू कॉट वाई हमारा 1 होता है अगर एक्स प्लस वाई 90 डिग्री है तो, ठीक है। अगला चलिए, ये अगला वाला। इस वाले केस में ना जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए, पॉजिटिव नंबर है तो सपोज लेट एन बराबर अगर हम 2 पुट कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -1 4 और 4 -1 3 और 12। अब 12 देखो ना इससे कट रहा है, 12 ना इससे कट रहा है, ना इससे कट रहा है, इसी से कट रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। बस क्लास में भी कराया है इसको, सेम यही क्वेश्चन, छोटे नंबर से शुरू करो, जब 2 ऑप्शन सेम मिल जाए तो उससे बड़ा नंबर ले लो, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला चलते हैं, दो ट्रेनें 72 और 20 की स्पीड से चल रहे, डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो माइनस करेंगे 72 माइनस 20, और चूंकि सेकंड की बात हो रही है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन, जिस ट्रेन में बंदा बैठता है उसकी लेंथ नहीं आती, तो फास्टर की लेंथ आएगी आगे 5 सेकेंड में, तो टाइम यहाँ 5 सेकेंड है। द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 50, फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, इसकी ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिया है हमें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 52, 52 × 5/18 × 5, कुछ कटना है का, कुछ ना कटना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से कट सकता है बस, 26 ये हो जाएगा और ये 9 ये हो जाएगा, तो 5 5 25, ठीक है ना, 25 × 26, तो सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, 25 का स्क्वायर कर लो और उसी 25 को जोड़ दो 650, सक्सेसिव वाला क्लास में जो बताए हैं, तो 650/9 इतना क्या आएगा मीटर, तो 9 7 63, फिर 9 3 27, 3/9, 9 7 63 ना 20 हुआ ना, 72 सही 2/9 मीटर, 72 सही 2/9 यहाँ है, बड़ा खतरनाक ऑप्शन हो तो दिया गया है, ठीक है, देख लीजिए 50 की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें यहाँ पे। ओके है, डन है, अगले वाले पे चलें, नेक्स्ट वाला। आउट ऑफ द 4 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3, 4 नंबर है ऐसे समझ लोगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो पहले 3 का बात हो रहा है एवरेज का 16, तो 16 3 48 ये सम हो जाएगा। दैट ऑफ द लास्ट 3 का बोल रहा है तो ये हो जाएगा 15 15 3 45 हो जाएगा ये सम, ठीक है ना, 15 3 45, इफ द लास्ट नंबर इज 20, ये वाला नंबर 20 दिया है, तो फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो बेटा मुझे ये बताओ, अगर हम 45 में से 20 हटा देंगे तो इन दोनों नंबर का सम आ जाएगा 45 माइनस 20 25,
अब इन दोनों, अब क्या करना है, ये वाला नंबर कैसे मिलेगा, इन तीनों का सम कितना है 48, और उसमें से इन दोनों का सम कितना 25 हटा दो, इससे परसेप्शन थोड़ा इजी बन रहा है। तो 8 माइनस 5 3 हो गया, और ये 2, तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया 23 हो गया। नंबर लाइन पे ना, जब भी नंबर की बात होती है तो नंबर लाइन पे थोड़ा उसको विजुअलाइज करना आसान होता है, ठीक है ना। ये विजुअलाइजेशन से थोड़ा ठीक हो गया, 23 आ गया आंसर, ठीक है ना। ओके अगला चले। और कॉटे वन अपॉन साइन 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 इधर ले जाएंगे, और इसमें क्या बनेगा, वन अपॉन साइन वन अपॉन कॉस, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर भी कर दें तो बन सकता है क्वाड्रेटिक, फिर कॉस स्क्वायर को साइन मिला सकते हैं, क्वाड्रेटिक की तरफ जाएगा बच्चा। चलो शुरू हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक की तरफ ले जाना पड़ेगा इसको, सेटिस्फाई तो करने का कोई उम्मीद नहीं है, ऑप्शन देख ही रहे हो। तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन और ये कॉस अपॉन साइन, बेटा साइन से मल्टीप्लाई करो दोनों, या टू साइन से मल्टीप्लाई करो, टू साइन ए से, तो यहाँ टू हो जाएगा और यहाँ पे टू हो जाएगा और यहाँ 11 साइन ए हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 2 4 2 8 कॉस ए 121 साइन स्क्वायर ए। बेस्ट रहेगा साइन को कॉस में बदल लेना ताकि कॉस में क्वाड्रेटिक मिल जाए, ठीक है ना। तो ये 4 cos² है प्लस 8 cos है प्लस 4, ऐसे रीअरेंज कर दिया तो ये 121 cos² है माइनस 121 बनेगा, cos² ए माइनस 1, ठीक है। अब एक तरफ ले चलते हैं, 4 उधर ले चलते हैं, तो 117 cos² है, और इसको उधर ले चलते माइनस 8 cos है और माइनस 125 बराबर में 0। खतरनाक आ गया यार, चलो ज़्यादा खतरनाक नहीं आया है, बड़ा बढ़िया बन के आया है। कारण क्या है कि भैया इन दोनों को क्वाड्रेटिक हल करते हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करोगे, तो ये हो जाएगा 117 गुणे 125, और हमें डिफरेंस कितना लेना है, डिफरेंस जो है 8 आना चाहिए, तो ऑलरेडी डिफरेंस 8 है, कॉन्फिडेंस बढ़िया बन गया, हाँ फैक्टराइज नहीं करना पड़ा, तो डिफरेंस ऑलरेडी 8 है, यानी कि हमारा फैक्टर हो जाएगा 117 125। तो कॉस ए की अगर बात करें तो फैक्टर 117 और 125 बन रहा है, और डिवीजन 117 से करेंगे, और माइनस और माइनस का प्लस माइनस, प्लस बड़े वाले को देते हैं। अच्छा टैन निकालना है क्या, तरीके तब तो टैन में ही बदलना चाहिए था इसको, तो यार ये टैन निकालना है, टैन में बदलना चाहिए था। 117 और 125 माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस बड़े वाले को, अब मुद्दा कहाँ फंस गया, एंगल क्वाड्रेंट पे, अब देख रहे हैं तो क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस वाला इन्होंने लेकर चले हैं, ये जो है माइनस वाला लेकर चले हैं, और 117 और 125 का फिर टैन निकालना, हाँ ये लंबा प्रोसेस जा रहा है, क्या करें, टेन में ही बनाएं उसको, अब उसको टेन में बनाएं, कॉट को इधर ले आकर अगर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। देखो तो एक बार देखो, कॉट को इधर ले आते हैं ना, कॉट को इधर ले आएंगे तो टेन और कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर से टेन बन जाएगा हमारा, कॉट निकल आएगा तो हम उलट कर टेन कर लेंगे, ठीक है ना। तो काम करो वही करो, क्योंकि ना टेन निकालना है और यहाँ से टेन, अब वो क्वाड्रेंट फंसा रहा है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो तो कॉसेक ए 11/2 माइनस कॉट ए, ठीक है ना, तो टू इधर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी कर देते हैं। कॉसेक दोनों साइड स्क्वायर करो, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 121, एक काम करो ना, दो से मल्टीप्लाई कर ही दो, तो 2 cosec square a
बराबर 11 माइनस 2 कॉट स्क्वायर, सॉरी अभी स्क्वायर का है लगा रहे हैं, कॉसेक ए 2 टाइम्स 11 माइनस 2 कॉट ए। अब दोनों साइड स्क्वायर करो तो 4 कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 121 प्लस 4 कॉट स्क्वायर ए और 2 × 4 माइनस 44 कॉट ए, 11 × 2 = 2। हाँ ठीक है, अब एक तरफ करें तो इसको कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 4 वैसे भी नहीं, 121 प्लस 4 कॉट स्क्वायर ए माइनस 44 कॉट ए। ठीक है, अंदर ले चलते हैं इसको, तो अंदर ले चले तो 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 121 प्लस 4 कॉट स्क्वायर ए माइनस 44 कॉट ए, तो 4 कॉट स्क्वायर ए तो कह गया यहाँ से। अब एक तरफ करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 44 कॉट ए और 4 इधर ले चलते हैं, 117। ठीक है ना, तो ये कॉट ए कितना आ रहा है, कॉट ए आ रहा है 117/44, तो यहाँ से टैन ए, इसका इन्वर्स हो जाएगा कॉट का, 44/117, ये ठीक रहा, क्योंकि ना वहाँ पे हमने ध्यान ही नहीं दिया भैया, जब इजी आना बन रहा है तो सही है, 44/117 ये हो गया। ठीक है, डिपेंडिंग अमॉन द सिचुएशन भी तो हमें चलना है। चलिए अगला वाला चले, पाइप ए एंड बी सेपरेटली फिल 8 और 12 घंटे वाइल थर्ड पाइप इम्पटे इन 10 आवर्स, कितने टाइम में फुल होगा, तीनों को एक साथ ओपन करें, एलसीएम कर लो बेटा, 120, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 120 है, ये दोनों 25 भर रहे हैं और जैसे ही सी खुला तो ये घंटे में 13 भरने लगा, 13 से डिवाइड कर दो तो 13 × 9 = 170, 9 सही 3/13, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों एक घंटे में 25 भरेंगे, उन्हीं एक घंटे में वो 13 निकाल देगा बाहर। ठीक है ना, चलें अगला, डी आई, इसमें क्या दिखाया गया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मॉडल्स ऑफ अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 7 और 8 का, ये 7 का है, ये 8 का है, आगे क्या लिखा हुआ है, ये 7 का है, ये 8 का है। ठीक है ना, आगे क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रोडक्शन देखो 7 का दिया है, ये कितना है 35, और टोटल प्रोडक्शन 44 लाख है। ठीक है ना, चलो ठीक है, आगे क्या कहा है, तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, यहाँ पे स्केल 10 का जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ अगर देखें तो कितना बन रहा है, 30% बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसको अगर देखो तो देखो बेटा, इतना ये 10 है, ये कितना है 10 है और ये 5 है, तो ये 15% बन जाएगा। इसी तरह ये कितना है, 10 है और ये 5 है, ये भी 15% बन जाएगा, ऐसे ही रीड करना है, 5 ऊपर 5 नीचे, यानी ये 10 हो गया। ठीक है ना, ये कितना हो गया 10, और फिर ये 5 और 10 ये भी 15 हो गया फिर से, और ये 10 हो गया। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 100% मिलेगा। ठीक है ना, जोड़ कर देख लीजिए, 30 15 15 30, कुछ 10 5 15, अंतर कितने का है, 10 का है ना, हाँ ठीक है, तो 30 15 15 30 60, 5 गड़बड़ा रहा है, ये 30 है और ये 10 है और 5 15 है, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ 20 है, यहाँ पे क्या है 20 है, क्योंकि ये 10 है, 5 ऊपर 5 नीचे, ये 20 है, तो हमेशा ये 100% मिलेगा। तो हम लोग क्या करें, 100% वाले पर काम कर लें, 100% वाले पे काम करें बेटा हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम लोग 100% वाले पे काम करें तो SCF वाला कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसका कितना है 35 और इसका कितना है 44, कहाँ कुछ कट रहा है, लाख में है, 35 और 44 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, लाख में ही है,
तो कुछ ज़्यादा इसमें हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें, लाख है तो बना लेंगे, चलो ठीक है, उतना 100% वाला यूज़ ना करें। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन ऑफ ए बी ई, सात, सात का ए बी ई, ए बी ई, ए बी और ई, तो ये 30% है और ये 15% है और ये 15% ही है, तो 60% हो रहा है। कितना हो रहा है? 60%। तो 60% हम किसका निकालेंगे? 35 का, 35 लाख, लाख में कितने होते हैं? 5, दो जीरो चले जाएंगे तो 4 जीरो ऐसे लग जाएगा और 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18, 21, ठीक है, ये 21 हो गया। ओके चेक करें अगला, फॉर विच मॉडल वाज द परसेंटेज वेरिएशन इन द प्रोडक्शन फ्रॉम 7 to 8 इज द मैक्सिमम। ओके इसको अगर देखना है, परसेंटेज वेरिएशन मतलब वेरिएशन की अगर बात किया है तो उतनी को ही देखेंगे जितना दिया है, बी और सी। फॉर विच मॉडल वाज द परसेंटेज वेरिएशन 7 to 8 इज द मैक्सिमम। अगर हम जाएं, अगर हम जाएं, यहाँ 35 है, यहाँ 44 है, प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, बी और सी का सेवन टू एट, बी और सी और विच मॉडल बी और सी का, अच्छा कंबाइन करके देखना है क्या, बी और सी का 7 से 8। तो बी और सी अगर हम जा रहे हैं तो देखते हैं परसेंटेज बी और सी को, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है बेटा, ये हो गया 10, 20, 30, 35, ये 35% से बी और सी, ये कितना जा रहा है, 10, 20, 30, 35, ये भी जा रहा है। अभी देखते हैं मैक्स क्या आता है, वो दोनों का बेस अलग अलग है, ठीक है ना, अभी देखते हैं आगे क्या है, सी और डी का, सी और डी, सी और डी, तो ये देखो तो यहाँ से यहाँ तक का नीचे है ये, ठीक है ना, ये 10, 20 और 30। अब यहाँ पे सी और डी का ये कितना है, 10, 20, 25। अभी बेस भी लेना है अभी बेटा, डी और ई का देखो, डी और ई का, तो ये यहाँ से यहाँ तक, नहीं नहीं डी और ई, तो ये 10, 20, 25 और डी और ई, तो 10, 20, ए और बी 30, 40, 45 और ये कितना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। भैया यही तो दिख रहा है मैक्सिमम, क्योंकि देखो अब मैक्सिमम यही दिख रहा है वेरिएशन, कारण 45% किसका निकालेंगे, 45% ऑफ 35 निकालेंगे और फिर जाएंगे कितना 44, 60% किसका निकालेंगे, ज़्यादा का ज़्यादा निकालेंगे 44 का, तो यहीं पे देखो मैक्स आ रहा है, तो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ए और बी हो जाएगा, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैक्सिमम वेरिएशन यहीं दिख रहा है, बदलाव यहीं दिख रहा है, ठीक है ना, चेक करिएगा। तो ये सब बहुत कम जा रहा है, ये क्या है, ये 35 का 35% और ये 44 का 60%, 35%, 35 का 35%, 44 का 35%, ये क्या है, 35 का 30% और ये क्या है, 44 का 20%, ये 35 का 25% और ये 44 का 20%, और ये ठीक है, तो यही बनेगा आपका और कोई नहीं बनेगा, ठीक। तो एक अगला वाला आ जाए, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करवा दिया हम लोग का, ठीक है ना। तो व्हाट वाज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द बी टाइप मोबाइल प्रोड्यूस इन 7 and 8, बी का यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 15% और यहाँ पे कितना है 20%, तो 35 लाख का 15% और 44 लाख का, ये डिफरेंस लेना है तो साइन पॉजिटिव कर लेंगे, ऑफ कितना है 20%, जो भी है
ये 35 × 3/20 हो जाएगा। एक काम करो, 35 लाख है, 00000 × 15/100, डिफरेंस 44 00000 20/100, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ से आसान हो जाएगा। 15 × 35, 15 और 35, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 20, 20 × 2 = 2, 3 × 2 = 5, 525। इसका डिफरेंस 2 जीरो काट दो, 88 00000, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफरेंस ले लो, 3 जीरो तो वैसे ही लग जाएगा, ठीक है ना। तो 10 - 5 = 5 पाँच हो जाएगा, 7 - 2 = 5 पाँच हो जाएगा, और 8 - 5 = 3 तीन हो जाएगा, 3 55 000, ठीक है ना। ओके, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।